अबे हद होता है। कल का मैच तो आईपीएल देख ही रहे होगे सब लोग। कल का मैच सबने देखा होगा कि मुंबई इंडियंस वर्सेस हैदराबाद सनराइजर्स था। क्या गंदा पेला है इन लोगों ने, मतलब समझ में नहीं आ रहा था ये लोग। और ऊपर से कैप्टन मिस्टर छपरी, मिस्टर हार्पिक पांड्या, हार्पिक यू नो PIK, PIK। तो सबसे पहले तो इन्होंने बॉलिंग ले ली, जो कि हार्दिक पांड्या को लगा कि पहला ओवर फेंकूंगा, मस्त विकेट निकालूंगा, एक नंबर छपरीबाजी चलेगी, हवा बजेगी एकदम हैदराबाद में, एकदम हवा ही हवा, पतंग काटेंगे। क्या पतंग इसकी कट गई। तो सबसे पहले तो इन्होंने बैटिंग की, हैदराबाद वालों ने बहुत धोया, बॉल का लिटरली धागा खुल गया था। लोग बोलते हैं ना बैटिंग ऐसी की कि बैट का धागा खुल दिया, भाई बॉल का धागा खुल गया था। और बिकॉज ऑफ ओनली हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी। आप सबको पता है कितने अच्छे कैप्टन है, मतलब दुनिया में अगर नाम लिया जाएगा सबसे बड़ा कैप्टन होने का तो हार्दिक पांड्या को, धरती पर नहीं मार्स पे, वहां जाना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले कैप्टनसी इसकी, उसके बाद में डिसीजंस। बैटिंग में कुछ हो नहीं रहा है भाई, बैट को बॉल नहीं लग रहा है, ऊपर मार रहा है, एक बैट किधर जा रहा है भाई, मतलब ऋषभ पंत बनना है क्या तेरे को? मतलब कुछ भी चल रहा है, जो मना है खेल रहा है, जो मना है जा रहा है, किसी को कहीं लगा रहा है किसी को। अरे भाई रोहित शर्मा को थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दे, तेरा सीनियर प्लेयर है यार, कम ऑन डूड। रिस्पेक्ट तो छोड़ो, उसको बाउंड्री पर लगा दिया। हालांकि वो प्लेयर है, कहाँ पर फील्डिंग करता है, 30 यार्ड्स के अंदर फील्डिंग करता है हमेशा, स्लिप पर लगेगा या फिर पॉइंट पर लगेगा या फिर जो भी 30 यार्ड्स है उसके अंदर ही फील्डिंग करता है रोहित शर्मा। उसको भेज दिया बाउंड्री पर। अब उसका एथलेटिक बॉडी नहीं है वहां पर, इतना दौड़ता है नहीं। बहुत सारी इनकी मिसफील्ड भी हुई मुंबई इंडियंस की। ये तो हो गया, अब सबके मन में यही बैठा हुआ है कि क्या करना है, मुंबई इंडियंस को हराना है, हार्दिक पांड्या 0 पर आउट हो जाए, रोहित शर्मा रन बनाए। सब लोग यही चीजें बोल रहे हैं, सबकी मन की दिली इच्छा है कि यही हो, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। हालांकि कल का मैच हाई स्कोरिंग मैच था, एकदम फ्लैट पिच था, एकदम जबरदस्त खेला गया है मैच। और सबसे बड़ी बात है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि 262 रन का था, 262 रन का था वो तोड़ दिया, अभी 276 रन का हो गया है ना, कल के मैच के बाद में। तो आज का मैच देखते हैं आज क्या होता है। सबसे बड़ी खबर कि दिल्ली कैपिटल्स में अब ऋषभ पंत है जो हाथ छोड़ के खेलेंगे, देखते हैं आज उनके तरीके से क्या होता है। चलिए थैंक यू सो मच। और हार्पिक पांड्या को ना के लेंगे, इसको गैंग्स ऑफ वसेपुर एक बार दिखाओ, इसको इज्जत पता लगेगी। बाय।